मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक बार फिर द कश्मीर फाइल्स पर विवाद शुरू हो गया है। 9 महीने पहले ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली विवेक अग्निहोत्री की फिल्म एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। दरअसल हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के ज्यूरी हेड नदो लपिट ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को सबके सामने उजागर करने वाली फिल्म को भद्दी और प्रोपोगेंडा पर आधारित फिल्म बताकर एक नए बहस को जन्म दे दिया है। वहीं कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवार्ड ने भी ज्यूरी हेड नदो लपिट के बयान को सही बताया है और द कश्मीर फाइल्स एक फालतू फिल्म है। इन्होंने कहा है कि जो वो पहले कह रहे थे वही ज्यूरी ने भी कहा है। इस पूरे मामले में कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवार्ड ने क्या बयान दिया है आपको सुना लेकर एक नया विवाद फिर से शुरू हो चुका है। इफी फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को वल्गर और प्रोपेगेंडा बताया, आपने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, कैसे देखा? देखो ऐसा है कि शुरू से हम कह रहे थे कि कश्मीर फाइल्स एक झूठ है, एक प्रचार का मुद्दा है और वो गवर्नमेंट स्टेट प्रोड्यूस्ड है, स्टेट प्रमोटेड है। हमने जो कहा वही वो ज्यूरी ने कहा। लेकिन फिल्म को वल्गर और प्रोपेगेंडा एक तरफ इजराइल के एक डायरेक्टर कहते हैं, दूसरी तरफ देखो तुम वो डायरेक्टर इजराइल का है ये मत देखो, वो आदमी इस इंडस्ट्री में कौन से होदे पे है, उसको दुनिया में किस नाम से वो पहचाना जाता है, वो किसके लिए पहचाना जाता है, दुनिया में उसकी पहचान क्या है वो देखो, वो कहाँ से आया है वो मत देखो। लेकिन उनके उसको उसको वहां से आया है दिखा करके दुनिया को गुमराह मत करो। उस आदमी ने जो दुनिया में जाना माना है उसने कहा कि कश्मीर फाइल्स फालतू पिक्चर है, आसान शब्द फालतू पिक्चर है, बस और क्या चाहिए। लेकिन जो इजरायली के दूतावास है उन्होंने, अरे इजरायल के दूतावास से वो इफी के ज्यूरी पैनल का क्या संबंध, इजरायल थोड़ी डोमिनेट करता है, कौन इजरायल? कल अमेरिका के किसी ने कुछ बोल दिया और अमेरिका के दूतावास ने कहा कि ये तुम नहीं बोल सकते, ये थोड़ी दुनिया में ऐसा चलता है। अरे मुझे मेरी समझ है ना, पिक्चर के कौन से को कौन से पर्सपेक्टिव से देखना, कौन से एंगल से देखना, ये मेरा काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। वो दूतावास वालों ने देखा है क्या कश्मीर फाइल जाके, उनको कश्मीर का कुछ इतिहास मालूम है क्या? अरे बोलो खुद का इतिहास देखो, दुनिया का इतिहास मत देखो। सर फिल्म कलाकार या फिल्म क्या राजनीतिक प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, शिकार हो रहे हैं? मैं अभी भी बोल रहा हूं कि फिल्म जैसा हत्यार है, तुमको अगर लोगों को मूर्ख बनाना है और वो भी झूठ में मनाना है तो फिल्म का इस्तेमाल करो। ऐसी फिल्में बनाओ कि लोग पागल हो जाएंगे, और ये काम दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हो चुका है। और मैं आज भी कहता हूं कि तमिलनाडु इस देश का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज भी जो विचारधारा टिकी हुई है वहां पे उसका कारण है फिल्म। तो फिल्म के माध्यम से तुम एक ही समय पे लाखों लोगों को गुमराह करते हो, और दिन भर में जब देश भर में 25 लाख सिनेमा देखेंगे तो ये है ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अगर समझो 10 लाख देखेंगे तो शाम तक 1 करोड़ लोगों के पास पहुंच जाएगा, और 10 दिन में कम से कम 60 करोड़ लोगों के पास पहुंच जाएगा,